कि आप भी जानना चाहते हैं क्यों सेल्स एंड क्लोजिंग इंडस्ट्री में 20% लोग 80% पैसा कमाते हैं एंड 80% लोग सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं। फिर आगे बोल नहीं पता ए बता ना बता ना भाई 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 मेरा भाई बता ना भाई प्लीज बता ना मेरा बता जान के शौक लगा होगा राइट बट इट्स अ ट्रू फैक्ट। ये 80-20 का प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो होता है एंड अगर आपको जानना है क्यों ऐसा क्यों होता है सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सीक्रेट्स जो कि 99% लोग नहीं जानते क्लोजिंग के लिए। एंड अगर आप ये जान लेते हो तो आप इजिली अपने सारे टारगेट्स इससे अचीव कर सकते हो। सो जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा आप एंड तक देख सकते हो। मेरा नाम है दीपांशु गवल और मैं एक एंटरप्रेन्योर एंड कंटेंट क्रिएटर हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजिटल दी फॉर यू पे आपका स्वागत है। सो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लैपटॉप की स्क्रीन में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में। सो ये है फाइनल वीडियो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का। एंड अगर आपको नहीं पता ये सीरीज क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो कि किसी न किसी तरीके के ऑनलाइन बिजनेस से कनेक्टेड है, जहाँ पर उन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग करनी पड़ती है, सेल्स क्लोज करनी पड़ती है। एंड ये सीरीज डेफिनेटली उनको हेल्प करने वाली है। वाई? बिकॉज इसमें मैंने हर टाइप के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना और उनके पीछे की साइकोलॉजी समझ जाई है। सो ये वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली बिगेस्ट क्लोजिंग सीक्रेट्स के बारे में जो कि 99% लोग नहीं जानते। एंड अगर आप इन सीक्रेट्स को जान लेते हो और इंप्लीमेंट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी सेल्स एंड क्लोजिंग बहुत तेजी से इंप्रूव होंगी एंड आप अपनी हर डील क्लोज कर सकते हो अगर आप इन सीक्रेट्स को इंप्लीमेंट करते हो। एंड डेफिनेटली आपकी सेल्स इनकम में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्लोजिंग सीक्रेट 1-on-1 मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे 10 सीक्रेट इसमें मैं आपको देने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आप कोई भी पर्सन से मिलकर सेल क्लोज कर रहे हो या कॉल पे कर रहे हो या वीडियो कॉल पे कर रहे हो तो तीनों जगह ही आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से मिलने के बाद सेल क्लोज कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बात करने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में भी सेम यही चीज अप्लाई होती है। एंड अगर आप कॉल पे हो तो आप दिख नहीं पा रहे हो सामने वाले पर्सन को, बट आपकी टोनैलिटी, आपके वर्ड्स, आपके बात करने का तरीका, आपके ग्रीटिंग्स, किस तरीके से आप उनको ग्रीट कर रहे हो, आप किस टोन में उनसे बात कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जिससे सामने वाला पर्सन बहुत क्विकली आपको जज कर लेता है। राइट? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा दो सामने वाले की नजर में। एज अथॉरिटी, एज अ प्रोफेशनल आप साउंड करो, दिखो। राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ऑलवेज रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट इमिजिएटली। विच मीन्स कई बार क्या होता है, जैसे आपको भी क्लाइंट्स को ऑब्जेक्शन आते होंगे, कोई भी पर्सन बोलता होगा मेरे पास पैसा नहीं है। राइट? तो आप सिंपल से उससे बोलोगे एकदम रिएक्ट होके कि पैसा तो सबके पास होता है लेकिन कोई भी ऐसा है जो सही जगह नहीं खर्च करता। इस तरीके से आप एकदम से उनको रूड या हो सकता है आप एकदम से रिएक्ट कर दो तो शायद आपकी डील क्लोज होने की जगह खराब हो सकती है। राइट? सो आपको उस सिनेरियो में हमेशा क्या करना है, सामने वाले पर्सन की बातों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, देन आपको पोलाइटली उसको रिस्पॉन्ड करना है। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड दोनों ही सिमिलर लगते हैं, बट रिएक्ट में क्या होता है आपने किसी बात को सुना और आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्ड में क्या होता है अगर आप सामने वाली पर्सन की, क्लाइंट की बात समझ रहे हो फिर आप रिप्लाई दे रहे हो, दैट इज रिस्पॉन्ड। राइट? दो पॉइंट हमने कवर कर लिए। नाउ थर्ड पॉइंट है दैट इज फॉलो किस फॉर्मूला, किस वाली किस नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ये है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। राइट? वाई? बिकॉज कई बार क्या होता है जो भी आपका क्लाइंट है वो ऑलरेडी कोई भी चीज को आपसे सीखना चाह रहा है या आपके डाउट आपसे क्लियर करना चाह रहा है तो उसे वो चीज की नॉलेज नहीं है। राइट? आपको उससे ज्यादा नॉलेज है, दैट्स व्हाई आप उसको सजेस्ट कर रहे हो और बता रहे हो, वो अभी बिगनर है। तो कोशिश करो कि आप जो भी चीजें बताओ वो इतने सिंपल वे में हो कि उसको सारी चीजें बहुत इजीली समझ आ जाए।
वाई? बिकॉज बहुत सारे लोग जो भी मना करते हैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए, उनका मेजर क्वेश्चन क्या होता है कि उन्हें अपने आप पे डाउट होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, राइट? एंड कई बार कॉन्सेप्ट या बिजनेस के रिलेटेड क्वेरीज होती है। अगर आप यही दो चीज़ों के आंसर पहले ही दे दोगे कि अगर आप इतना सिंपल वे में बता दो तो उन्हें लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ इसको, राइट? एंड जो भी उनके डाउट्स है वो भी क्लियर कर दिए तो डेफिनेटली वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, राइट? तो तीन पॉइंट कवर हो गए। नाउ फोर्थ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सेल्स एंड क्लोजिंग में ये प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको ग्रेट सेल्समैन, ग्रेट क्लोजर बनाने में हेल्प करेगा। एंड जितनी ज़्यादा आप सेल्स की, क्लोजिंग की, ऑब्जेक्शन की प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूव होते जाओगे अपनी सेल्स एंड क्लोजिंग में। नए नए आइडियाज़, नए नए स्ट्रैटेजीज आपको माइंड में आने लगेगी, नए नए तरीके भी आपको सीखने को मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है योर मोटिव शुड बी हेल्पिंग अदर्स, विच मीन्स कि कभी भी आप सेल्स एंड क्लोजिंग कर रहे हो तो आपका मोटिव अर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपका मोटिव हमेशा सामने वाले की हेल्प करना होना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप सामने वाले की हेल्प करते हो तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपका खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपका जो कमीशन है या आपका जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो आपको मिलेगी, तो डेफिनेटली आपका तो बेनिफिट होने ही वाला है, राइट? लेकिन उस सिनेरियो में आपको अपना मोटिव नहीं, उसकी हेल्प करने का पॉइंट से सोचना चाहिए। बिकॉज कोई भी पर्सन को जब आप सेल्स एज अ सेल्समैन साउंड करोगे तो वो डेफिनेटली नहीं खरीदने वाला आपसे प्रोडक्ट या आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करने वाला। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज नेवर हर्ट एनीवनस ईगो। आपको कभी भी किसी भी लीड, किसी भी क्लाइंट की ईगो हर्ट नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव या कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिससे उनकी ईगो हर्ट हो, राइट? बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे हम कुछ स्टेटस डालते हैं या कभी भी हम कोई भी अचीवमेंट कर लेते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि हम तो कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी आपको नहीं निकलना नेगेटिव या कोई भी ऐसा चीज जिससे किसी भी पर्सन की ईगो हर्ट हो। आपको हमेशा थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है फॉर एवरीथिंग जिससे आप आज किसी भी लेवल पे पहुंच पा रहे हो, एंड जिसको देख के सामने वाला पर्सन भी बहुत अच्छा फील करेगा एंड डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो आपके साथ बिजनेस जरूर स्टार्ट करेगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता दैट इज 3F फॉर्मूला, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरी सीरीज में मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में बोलता आया हूँ, दैट इज फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। अब इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो किसी क्लाइंट ने आपको बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप फील में क्या बोलोगे कि आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी कंसर्न को समझता हूँ डियर, एंड हो सकता है आपके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो इस वजह से आप ये चीज़ बोल रहे हो। एंड फेल्ट में आप क्या बोलोगे, अपने से रिलेट कराओगे। एंड सेम एज मैंने भी ये सिचुएशन अपनी लाइफ में एक टाइम पे फेस करी है एंड मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील होता है इस टाइम पे। एंड फाउंड में आप क्या बताओगे कि मैंने क्या रियलाइज किया, मैंने सोल्यूशन कैसे फाइंड किया। तो आप बोल सकते हो कि फिर मेरे को रिलाइज हुआ कि पैसे नहीं है इसलिए तो अर्न करना है, एंड ब्ला 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 आप बोल सकते हो। एंड इसके आगे आपको ऑलरेडी मैं बाकी वीडियोस में बता चुका हूँ। सो इस तरीके से 3F फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई देयर नीड्स। आपको हमेशा लोगों, जिन भी लोगों को आप अपना प्रोडक्ट या बिजनेस पिच करने वाले हो, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वाई कर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में करना क्यों चाहते हैं। अगर आपने ये चीज कर ली ना तो डेफिनेटली आपके 99% सेल ऑलरेडी क्लोज हो जाएगी। वाई? बिकॉज आपको पता चल गया सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए। बस आपका ये तरीका इतना अच्छा होना चाहिए उसको वो चीज़ बताने का, वो चीज़ समझाने का कि वो डेफिनेटली समझ पाए सॉल्यूशन क्या है और एक्शन ले पाए, राइट? एंड नेक्स्ट आता है दैट इज बी पोलाइट एंड हम्बल। हमेशा आपको कोई भी पर्सन अगर रूड भी हो रहा है, उसको कोई चीज नहीं भी समझ आ रही, तो हमेशा पोलाइट रहो, हम्बल रहो उसको बताने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। एंड डेफिनेटली ये चीज आपके कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाती है एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, राइट? एंड सेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल 10th point, that is law of average. Law of average इतना बड़ा एक principle है, हर sales and industry, हर industry में ये work करता है, which is कि अगर आप 100 लोगों को अपना business plan दिखा रहे हो या 100 लोगों को आप अपना कोई भी product sell करना चाहते हो, pitch किया आपने, तो 100 में से सारे लोग नहीं खरीदते हैं पहली बार में, 100 में से सिर्फ हो सकता है 4 लोग खरीदे, 3 लोग खरीदे, 5 लोग खरीदे। एंड ये लॉ ऑफ एवरेज टाइम के साथ बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाएगा, 5 के 10 हो जाएगा, 10 का 12 हो जाएगा। वाई? बिकॉज आपकी स्किल भी इंप्रूव हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रही है। तो इस तरीके से
आप अपने लॉ ऑफ एवरेज को इंक्रीज कर सकते हो एंड इसके बेसिस पे ही आप अपने सारे गोल्स सारे टारगेट अचीव कर सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू मिली हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिल जाए ऐसी और पावरफुल वीडियोस बनाने का। एंड अगर आपको इस वीडियो से सच में वैल्यू मिली है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिससे उनकी हेल्प हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग कर पाए, सेल्स कर पाए, अपने ड्रीम्स अचीव कर पाए। एंड सच में मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ इस सीरीज में बने रहने के लिए। सीरीज एंड हो रही है इस वीडियो के साथ एंड इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका दिल से। एंड सो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सो दैट जैसे ही नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो मिलते हैं अब एक और नई वीडियो एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो और ग्रो करते रहो।